मैं ऐसे तो ये न्यू ईयर की पार्टियों में मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन अगर गलती से मैं किसी पार्टी में चली गई और मैंने जरा सी बियर पी ली और जरा सा मुझे हैंगओवर हो गया, तो इस हैंगओवर को दूर करने के लिए नींबू की तरह निचोड़ के पी जाऊंगी तुम्हें। ओए गोलगप्पे, जाओ जाके थोड़ा काम सीखो। पाजी ऐसी नर्स है, कल इसके पास मरीज आया, मरीज कहता जल्दी जल्दी मेरे को इंजेक्शन लगा दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसने उसकी आंखों में इंजेक्शन लगा दिया। ये तो भारी ऐसी नर्स है, सोए हुए मरीज को उठाकर कहती है कि नहीं उठो नींद की गोली खा लो। वाह 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 वाह, कितना पुराना सा जोक मारा है ये, सरसों का साग वाला जोक मार के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे ना आप आज। अच्छा बंपर, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, आज वैसे क्रिसमस भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, एक बात बता मेरे को, जब तू बैठ जाती है तो उठती कैसी है? मैं बस वैसे ही उठती हूँ जैसे अभी थोड़ी देर में आप दुनिया से उठने वाले हैं। वैसे डू टेल मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अ घूसा, अ मुक्का, अ थप्पड़, अ लपड़, और मे बी जस्ट अ धक्का ऑन द रॉक्स? बंपर मेरी बात सुनो, मेरे फैंस के सामने मेरे साथ तमीज से बात करो। ये कौन से आपके फैंस हैं? ये कपू शर्मा के फैंस हैं सारे। कौन कपू शर्मा? ओए ये वैसे मेरे फैन हैं, ये यहाँ पर चाय पीने आते हैं, वो तो इधर बातें बातें करता रहता है, लोग सुन लेते हैं उसकी बातें। वो यहाँ पर बातें बातें करता रहे और क्या करते चंदू? ओ आपकी बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं अपनी टपरी हटा दूं यहाँ से। नहीं नहीं, जो सच बात है जरा साफ साफ इन्हें बताइए, आपकी टपरी अपने आप हट जाएगी यहाँ से, आप टेंशन मत लीजिए। कपू शर्मा आप जरा अपना हाथ उठाने का प्रबंध कीजिए, आप इन्हें सच बात बताने का प्रबंध कीजिए, और मैं आपके लिए बेड नंबर 3 पे आपको लेटाने का प्रबंध करती हूँ। मैंने तेरे मुंह पे थप्पड़ मार के ना अपना हाथ नहीं वेस्ट करना, अपना मुंह दीवार पे मार जा अपने आप। क्या बोल रहा था मेरे बारे में, बुरा बुरा बोल रहा था तू? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें, इनकी बातें क्यों सुनते हो? ये लोग हमारे में फूट डालते हैं। देखो शेक्सपियर ने कितना अच्छा कहा है, क्या बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये बात शेक्सपियर ने कही बे, कबीर जी ने कही है ये बात? तो मुझको थोड़ी कही है, जो मुझे पता होगा किसने कही किसने नहीं कही है, जिसको कही है उसको पता होगा। वो ध्यान से, वो धीरे आकर तेरे नीचे आ जाएगा कोई। मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आई हूँ। क्या, तुझसे ज्यादा बुरी खबर और कौन सी हो सकती है? क्या हुआ? डॉक्टर गुलाटी हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, मेरी चाय के पैसे। कितना जाहिल आदमी है मैं, डॉक्टर साहब चले गए तो तुझे पैसों की पड़ी है, मुझे तो ये चिंता हो रही मेरी गाड़ी कौन धोएगा। कितने निर्दयी हैं आप लोग, आप लोगों को अपनी पड़ी है, डॉक्टर गुलाटी चले गए ये सोचे मेरी सैलरी कौन देगा। कोई भी ऐसी हीरोइन जिससे मिलने की आपको इच्छा, आप अपने मन में सोच लो, हमें मत बताना, हम चेक करते हैं सांता क्लॉज पूरी करता कि नहीं करता। सोचो सोचो। सोच लिया। हाँ ओके, सांता क्लॉज हेलो, सांता क्लॉज प्लीज सिद्धू सर की विश पूरी की जाए। सनी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके दिमाग में सनी चल रही थी। सनी गो एंड गिव सिद्धू पाजी ए स्वीट हग। पाजी वैसे आप ही के दिल में नहीं, हिंदुस्तानी पूरे दुनिया के लड़कों के दिलों में सनी बसती है। सनी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे नहीं, धधक उठते हैं अंगारे, सुरमई माहौल हो जाता है। आहा वाह, फूट जाते हैं ज्वालामुखी, दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ओह वाह, पत्थरों को भी मोम कर दे जो अपने हुस्न से, आपके छू लेने से तो पानी भी पेट्रोल हो जाता है। आज स्टूडियो का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, मुझे लग रहा है एसी और बढ़ाना पड़ेगा।
सनी, you want to say something for Sidhu sir? Yeah, yeah. मैंने अभी बहुत सारे हिंदी क्लासेस लिए एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर रोज एंड मैंने एक्चुअली मेरा फर्स्ट शायरी अभी लिखा. अच्छा. प्लीज. और मैंने आपके लिए लिखा है. किसी को अप्सरा किसी को जल परी कहते हैं. किसी को अप्सरा किसी को जल परी कहते. ओए होए होए. हर हीरोइन के हुस्न पे आप शायरी कहते हैं. हर हीरोइन के हुस्न पे आप शायरी कहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. सच कहा. यू तो सब एक्ट्रेस को छेड़ते हैं. झूठ बोले कौवा काटे. बाद में घर जाकर बाबी को सॉरी कहते हैं. सनी एक्चुअली बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी फिल्में कर रही हैं. अभी हाल ही में रईस फिल्म जो आ रही है मिस्टर शाहरुख खान की, उसमें सनी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाने पे डांस किया है, लैला मैं लैला. ऐसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला. सनी आपको इस गाने का मतलब पता है? हाँ जी. बताओ क्या मतलब होता है इसका? लैला मी लैला. ओके. और हर लड़के ऑल द बॉयज वांट टू मीट मी अलोन. पता है अभी. करेक्ट. सनी आइए, पहले तो आप यहाँ पे विराजमान होइए और हमारा सोफा गर्म करें. पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. मेरा इधर बैठने को दिल नहीं कर रहा. कैन आई सिट हियर? या. कपिल भाई मुझे तो नींद नहीं आ रही है. इसको गोली मार दो. नींद नहीं आ रही है? Yes. नींद नहीं आ रही तुम्हें? बुरे सपने जैसा तुम्हारा मुंह, तो नींद कहाँ से आएगी? भाग जा इधर. सनी को देख के आगा फालतू में. मारे क्या प्रॉब्लम है? सुबह से चक्कर आ रहे हैं कपिल भाई मुझे. चक्कर? हाँ. मिठाई बांट रहे हो तुम, मां बनने वाले हो. तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो हाथ पहले टूटा, मैंने टांग भी तोड़ दी. तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? ओवर एक्टर हो. चलो निकलो, भागो यहां से. सनी फालतू में तुम्हें तंग करने के लिए आ गए. प्लीज प्लीज कम. मैं मर गया. कोई महसूस ही नहीं कर रहा. चेक करूं? ओ मेरे पास मत आओ, मेरे गूस बम्प हो रहे हैं. आ गया तुझे? हाँ, मेरा दामन निकल गया. तो उसमें आलू डाल ले, दम आलू बन जाएगा तेरा. आ मैं, मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे को नींदे नहीं आ रही, नींदे मेरे सपने खराब हो रहे हैं. रात को सपना लेता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता. सपने में सनी लियोन आती है, सनी सनी याद रहती है, बाद में ये नहीं पता चलता कि सनी लियोन थी कि सनी देओल था. आना मर गया. मैं तुझे बताना भूल गया, वो सनी देओल थे. उन्होंने कहा था चंदू उठेगा तो उसको दे देना. क्या दे देना? 2.5 किलो का आता है. मुंह पे मारू मैं? बकवास कर रहा है. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates